जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ बीजी पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाकया पेश आया, जिसमें कोई हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और एक काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया है। और उम्मीद तो ये की जाती थी कि जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की गई, यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि इसको मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहाँ फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज़्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये वाकया हुआ है, जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, ख़ासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहाँ जो जुल्म का तांडव चल रहा है, जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादुरिया का रहने वाला, जिस पे जो कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उसको लेके गए थे, और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ये कस्टडी में था, आर्मी की पुलिस में की कस्टडी में था, तो कस्टडी में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। आपने ख़ुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहाँ से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया, और उसके बाद जैसे उपद्रशी डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपुरा में, और आज ये जो मुख्तार शाह है, कोई 35-36 साल का आदमी है ये, इसको आर्मी और पुलिस जो इल्ज़ाम है उनके घर वालों का, उसको उठा के ले गए, और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, NIA की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से, इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी है, उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में इसकी उसको साथ दे रहा था। वो कौन है? इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सज़ा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बल्कि हालांकि उनके घर वालों का ये कहना है कि हमें शक है कि इसने खुदकुशी की गई, इस पर दबाव डाला गया, उसके बाद इसको कहीं फेंका गया, जहां से इसको अस्पताल लेके गए, पहले मेंढर और उसके बाद राजौरी, जहां ये मर गया। इसी तरह दूसरा एक है ज़ुहूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने ज़ख्मी हैं, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है, एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है, और इस वक्त सैकड़ों लोगों की पूछताछ हुई है, और उसमें दर्जनों या तो आर्मी की कस्टडी में है, या तो पुलिस की कस्टडी में है, या NIA की कस्टडी में है। तो मैं पूछना चाहती हूँ जो यहाँ सरकार है, कि राजौरी पुंछ के लोग सबसे ज़्यादा अमन पसंद है, इन्होंने बंदूक को कभी सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाकते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के, अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े, और यहाँ से मुगल रोड का रास्ता भी बंद है, उसको भी नहीं खोलते हैं, कम से कम इंसान जाए वहाँ, देखे वहाँ जो इतना जुल्म सितम हो रहा है, कोई बात नहीं कर पाता है, बात करने की कोई बोलता है तो डर जाता है, बात नहीं कर सकता है। इसके मुख्तार के घर वाले, औरतें रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मगर मर्द बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी हम
बड़े वफादार हैं, हमने पहले भी आर्मी का साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, मगर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये तो होगी राजौरी पुंछ की बात, जहाँ बहुत ही इस वक्त जुल्म का टांडव, इतनी मुसीबतें लोगों को हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब से ये G20 का सिलसिला शुरू हो गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू किया गया है, खासकर साउथ कश्मीर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लड़कों को जेलों में बंद किया गया है, जिसमें खाली पुलवामा के कोई 60 लड़के हैं, शुपियन से हैं, अनंतनाग से, कुलगाम से हैं, और अब श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि G20 जो है May 20 को शहर आ रहे हैं वो लोग, तो उससे पहले ही यहाँ के नौजवानों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ की जो सरकार है, जो रोज़ दावे करती है यहाँ सब ठीक ठाक है, अब कितना जुल्म करेंगे वो लोगों पे? अगर उनको बीजी में उन पे हमला हो गया आर्मी पे, तो आम लोगों को क्यों तंग करें, आम लोगों की क्यों पिटाई करें, आम लोगों की हलाकतें क्यों वहाँ हो रही हैं टॉर्चर की वजह से? तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि कोई राजौरी पुंछ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है इसके बारे में, कोई जो है चैनल वाला इसकी बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं तो बात करूं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, जो इस वक्त बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग, बच्चे क्या, औरतें क्या, सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ में पिटाई हो रही है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज गो अहेड। अभिदान, दो क्वेश्चन टुडे, चलिए।